पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही थी। सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद जिला मुख्यालय पर हड़ताल की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग की गई, जिस पर सरकार ने सहमति बनाते हुए उसे पुनः बहाल कर दिया। संघ ने इसके लिए सामूहिक रूप से राज्य कर्मचारी महासंघ को प्रांतीय कार्यकारिणी का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार रस्तोगी, जिला मंत्री मनीष ठाकुर, मंडल मंत्री शिव कुमार, लखपत सिंह के साथ और भी लोग मौजूद रहे। अवसर मैं शिव कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का मंडल मंत्री। आज हमने जो इस सभा का आयोजन किया है, हमने एक धरना प्रदर्शन 15 नवंबर 2018 को किया गया था, जिसमें हमारी 4 मांगें थीं, पुरानी पेंशन बहाल हो और 26,000 न्यूनतम वेतन, और तीसरे नंबर की जो मांग थी कि आउटसोर्सिंग संविदा को बंद करके जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग संविदा पर काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए और इस ठेके की प्रथा को बंद किया जाए, और चौथी मांग थी हमारी जो 25 अक्टूबर को जो एक शासनादेश किया था जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वो मांग आज हमारी जो पूरी हो गई, क्योंकि कल उसके संबंध में ये एक शासनादेश जो है निर्गत किया गया है। तो इससे हमारे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो ऑफिस में राज्य कर्मचारी कार्यरत है जिनको निजी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती थी वो अब जो है बहाल हो गई है। तो सभी इसके लिए हम उन अपने सभी साथियों का आभार करना चाहते हैं कि ये हमारे साथियों की एकजुटता और एकता की वजह से ही हो पाई, और इसी प्रकार से यदि हम एक रहे तो पुरानी पेंशन भी एक दिन हमारी जरूर बहाल हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय संघ, जय महासंघ।